गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस क्लास फॉर सेवन क्लास स्टूडेंट जो साइंस क्लास चैप्टर नंबर फाइव दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आज हम चैप्टर नंबर फाइव स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें टॉपिक लेंगे सबसे पहले एसिड। एसिड क्या होते हैं? द सब्सटेंस दैट आर श्योर इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिड, यानी कि वो सब्सटेंस जो टेस्ट में श्योर यानी कि खट्टे होते हैं उसको हम एसिड बोलते हैं। द वर्ड एसिड इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स श्योर। और जो हमारा एसिड वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से मिला है जिसका नाम है एसिडस, जिसका क्लियरली मीनिंग होता है श्योर, मीन्स खट्टा। यानी कि अगर हम देख सकते हैं कि वो सब्सटेंस जो खट्टे हो, जैसे एग्जांपल अगर हम लें तो लेमन टेस्ट में खट्टा होता है, तो उसका जो अगर उसके अंदर सॉल्यूशन जो सारा टेस्ट होता है वो बिकॉज ऑफ एसिड होता है। आगे इसमें दे रखा है एसिड आर ऑफ टू टाइप्स, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। जो हमारे एसिड्स होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड मिनरल। ऑर्गेनिक इट मीन्स अगर हम उनके क्लियरली नाम लेंगे तो इट मीन्स वो चीजें जो नेचुरल चीजें आ रही जो हमें प्रकृति से मिली, जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको ऑर्गेनिक एसिड यानी कि नेचुरल, जो हमें नेचर से मिली है, जो हमने खुद क्रिएट नहीं करी है, जो हमें ऑलरेडी उससे मिली गई ऑब्टेन मिली हमसे। द एसिड दैट आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड, यानी कि वो एसिड जो हमें किससे मिलते हैं। बेसिकली अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर में हमारी दो चीजें आती है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि वो एसिड जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं उसको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है सिट्रिक एसिड इज फ्रॉम लेमन, लैक्टिक एसिड इज फ्रॉम कर्ड, एंड एसिटिक एसिड इज फ्रॉम विनेगर। आपने ये देखा होगा कि लेमन तो जैसे मैंने बताया आपको कि वो खट्टा होता है, वो खट्टा क्यों होता है क्योंकि उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। कर्ड दही जब वो उस टाइम पर उसको रख देंगे तो वो हमारा क्या करती है, खट्टी हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर लैक्टिक एसिड पलट जाता है। उसके बाद विनेगर यूज होता है मोस्टली ज्यादा अचार निकल सोम बनाने उसमें यूज होता है, तो वो खट्टापन कहाँ से आता है उसके अंदर, बिकॉज ऑफ एसिडिक एसिड के कारण। तो ये सारे हमारे कुछ ऑर्गेनिक एसिड है। उसके बाद मिनरल एसिड इट मीन्स ह्यूमन मेड, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि वो चीजें जो ह्यूमन द्वारा बनाई गई हो, फर्टिलाइजर्स करी गई हो, उसके अंदर कंपनी के अंदर क्रिएट करी गई हो। जैसे यहाँ पे रखा है एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड, यानी कि वो एसिड वो मिनरल्स जो हमें अर्थ से हम लेते हैं, अर्थ के बनाते हैं, उसको हम मिनरल एसिड कहते हैं। दे आर ह्यूमन मेड एसिड, उसको हम ह्यूमन मेड एसिड कहते हैं। और साथ साथ दे आर ऑल्सो नोन एज लेबोरेटरी एसिड, और इसको हम साथ साथ क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी एसिड्स भी बोलते हैं। बिकॉज दे आर यूज इन द साइंस लेबोरेटरी टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। इसको लेबोरेटरी एसिड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये साइंस के अंदर जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बड़ी बड़ी जो साइंटिस्ट होते हैं वो सारे जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो इन्हीं जो एसिड्स होते हैं उनके साथ मिलके करते हैं। तो ये सारे काम हमारे बेसिकली इसको हम लेबोरेटरी एसिड, एक्सपेरिमेंटल एसिड, ह्यूमन मेड हम कुछ भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये जो हमारा वर्क होता है बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स के अंदर यूज होता है। उसके बाद एग्जाम्पल जैसे आपको दे रखे हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसका केमिकल फॉर्मूला है H2SO4। नाइट्रिक एसिड, इसका केमिकल फॉर्मूला है हमारा HNO3। तो ये हमारे कुछ मिनरल एसिड्स हैं। तो अब हमने दो टाइप के ये तो जान लें कि हमारे एसिड कौन कौन से होते हैं, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि हमारे एसिड जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, उसके उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे यहाँ पे मेरे पास डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड कौन से होते हैं? द एसिड सॉल्यूशन दैट हैज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड, यानी कि वो सॉल्यूशन जिसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो और एसिड भी कम हो। एक तरीके से इसको देख सकते हैं कि बिल्कुल लिक्विड, जिसमें कोई भी लिक्विड फॉर्म में हो तो उसको हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा कंसंट्रेटेड एसिड। द एसिडिक सॉल्यूशन दैट हैज अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एसिड। तो ये जिस इसका अपोजिट होता है, इट मीन्स इसमें वाटर की क्वांटिटी कम होती है और एसिड हमारा ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई ये थोड़ा इसमें गाढ़ापन आता है, इसलिए इसका नाम भी रहेगा कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मीनिंग अगर हम निकालेंगे तो उसमें गाढ़ापन आता है, और डाइल्यूट मीन्स बिल्कुल तरल लिक्विड। तो ये हमारे एसिड्स हो गए। तो आज हमने सिर्फ पढ़ा है इस क्लास में एसिड्स के बारे में, एंड बेसिस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।